आज डेट हो गई है 8 जुलाई, और 8 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए, यूपी टेट और यूपी पुलिस के लिए, या फिर जो भी समूह ग ख की भर्तियां हों उत्तर प्रदेश में उनके लिए जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो कम्प्लीट देखते रहिएगा, वीडियो को कम्प्लीट देखेगा और कुछ करेगा या मत करिएगा, वीडियो को कम्प्लीट देखेगा और वीडियो को एक लाइक कर दिएगा। इतनी रिसर्च करके आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश के ने फेंगुएन 3E उपग्रह लॉन्च किया है? अब फेंगुएन 3E एक उपग्रह लॉन्च किया गया है और किस देश ने किया है? तो चीन ने किया है। और चीन ने किया है तो ये किस लिए काम देता है? ये मौसम के लिए, मौसम फॉर के लिए यहाँ पर काम देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का ये रिपोर्ट है, चाइना लॉन्च न्यू सेटेलाइट टू इम्प्रूव वेदर फॉरकास्ट मॉनिटर सी टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से चाइना ने फेंगुएन 3E का जो सैटेलाइट लॉन्च किया है। और अगर आप चाइना की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर चाइना कहाँ पर है, इंडिया यहाँ है और चाइना यहाँ पर है, और इसी को लेकर बार बार झगड़ा होता रहता है कश्मीर में इसी चीज़ को लेकर। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त किया है? तो यहाँ पर बता दो, फ्लिपकार्ट ने जो प्लास्टिक पैकेजिंग होती है, और प्लास्टिक पैकेजिंग कैसी होती है, देखिए ये जो होती है प्लास्टिक पैकेजिंग जो प्लास्टिक के बैग में पैक होकर आता था, अब धीरे धीरे इस करके इसको पूरा ख़त्म कर देगी और इस तरह से कागज़ के पैकेजिंग में आएगा या फिर आपको ये डब्बे वाला जो मिलता है उसमें आएगा। ठीक है, हाल ही में कौन सी कंपनी ने पोस्ट पैड मनी सुविधा लॉन्च की है? पोस्ट पैड मनी क्या होती है, मतलब तुरंत आपको इंस्टेंट लोन दे दिया जाता है पोस्ट पैड मनी से, तो किस कंपनी ने की है? तो अभी पेटीएम ने पोस्ट पैड मनी सुविधा लॉन्च की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। आपको बता दूँ कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने 57 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के वृद्धा पेंशन प्रदान करेगी? तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने की है, जो 57 वर्ष से अधिक लोग हैं उनके लिए वृद्धा पेंशन की योजना शुरू की गई है, जो कि काफ़ी अच्छी पहल है तेलंगाना की तरफ से। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बता दूं कि हाल ही में रिचर्ड डोनर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक फिल्म निर्देशक थे, आप स्क्रीन पर इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे, ये रिचर्ड डोनर। और इन्होंने कौन सी फिल्म को निर्देश किया था, काफ़ी इनको पॉपुलर फिल्म सुपरमैन, द सुपरमैन आपने देखा ही होगा, इसको निर्देश इन्होंने ही किया था। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बता दूं कि हाल ही में हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी मोहम्मद अजरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हैदराबाद क्रिकेट संघ का ये लोगो आप देख सकते हैं और ये कुछ वहाँ की पिक्स हैं। ठीक है, और मोहम्मद अजरुद्दीन का पिक आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यही है मोहम्मद अजरुद्दीन, और इन्हें ही हैदराबाद क्रिकेट संघ का जो है प्रेसिडेंट यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय एक्वा किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए भारत सरकार ने एक्वा किसान क्या होते हैं, जो पानी में मत्स्य पालन, मछली उछली पालते हैं, निकालते हैं, ये सब करते हैं, इनको एक्वा किसान बोला जाता है, मतलब वाटर से संबंधित है। ठीक है, तो इनका जो है नया ऐप लॉन्च किया गया मत्स्य सेतु करके। ठीक है, इस ऐप का नाम है, यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मत्स्य सेतु ऐप फॉर इंडियन एक्वा फार्मर्स, यहाँ पर एक रिपोर्ट है लॉन्च की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मत्स्य सेतु ऐप, ये लोगो है इसका और ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, फिलहाल चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बता दूं कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा आयोजित करेगी? अब ये रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट यहाँ पर जो है क्रिएट करेगी, और ये किस लिए क्रिएट की जा रही है, क्योंकि किसानों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए की जा रही है, और आंध्र प्रदेश में करेगी। तो ये देखिए मैप में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ आंध्र प्रदेश कहाँ है, ये मैप में ये आंध्र प्रदेश है, और भाषा के आधार पर जो है गठित किया जाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन चुका है। ठीक है, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे गोल्फर कौन बने हैं? ओलंपिक सेकंड के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे गोल्फर कौन बने हैं? तो यहाँ पर बता दूँ उदयन माने, ऑप्शन सी इज यहाँ पर सही है, और उदयन माने ये आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उदयन माने, और यह हिंदुस्तान टाइम्स का भी आप एक रिपोर्ट देख लीजिए, इसमें भी यह बताया गया कि उदयन माने जो है नए गोल्फर बने हैं, सेकेंड गोल्फर, सेकेंड बार क्वालिफाई करने वाले ओलंपिक के। ठीक है, आपको फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ चले। तो हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अभी मुंबई और पुणे में, ठीक है, मुंबई और पुणे में जो है एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2022 आयोजित किया जाएगा। और देखिए क्या होता है, एशियाई जो
फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई का जो है, देखिए एक पिक आप देख लीजिए, ये इसका लोगो है, पीछे आप जो देख पा रहे होंगे ये इसका लोगो है और ये जो है एशियाई फुटबॉल परिसंघ का एक पिक है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी रिपोर्ट एक आई है, इसमें आप देख सकते हैं कि एशियाई महिला जो है मुंबई और पुणे में इस बार आयोजित किया जाएगा और भुवनेश्वर अहमदाबाद में इस बार आयोजित नहीं किया जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपको बता दूँ श्री नितिन कटगरी जी, यहाँ पर जो है खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बन चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नितिन कटगरी का फोटो भी है, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से यहाँ पर है, MSME, ठीक है, मंत्री हैं। हाल ही में ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंची है? तो मिताली राज जी जो है कि वो शीर्ष पर पहुंची है ICC महिला वनडे रैंकिंग में। और मिताली राज कौन है? तो आप अपनी स्क्रीन पर इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे, यही है मिताली राज और यही ICC वनडे में जो है शीर्ष पर पहुंची है, ठीक है। फिलहाल चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में देश विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो अभी जो है ये रूस के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। और कौन है एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री? तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर फोटो भी इनकी देख पा रहे होंगे, यही है हम लोगों के विदेश मंत्री, केंद्रीय विदेश मंत्री, ठीक है, एस जयशंकर जी, और यही रूस यात्रा पर गए हैं। अब रूस यात्रा पर गए हैं तो इंडियन कंपेरिजन में देखिए रूस कहाँ पर स्थित है, ये है रूस, ठीक है, ये रूस है और ये इंडिया है। और रूस काफ़ी अच्छा दोस्त रहा है बहुत ही पुराने समय से इंडिया का, ठीक है। हाल ही में ऑपरेशन खुकरी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन आर्मीज प्रोवेस्ट पीसकीपिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये पुस्तक लिखी गई है ऑपरेशन खुकरी पे, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ आर्मी के जो द्वारा ब्रेवेस्ट पीसकीपिंग जो मिशन तैयार किया गया था उसी पर ये पुस्तक लिखी गई है और ये राजपाल पुनिया ने लिखा है, ठीक है, यहाँ पर राजपाल पुनिया ने ये पुस्तक को लिखा है। हाल ही में सुखवीर सिंह संघ किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? तो आपको बता दूं ये जो है सुखवीर सिंह संघ उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। अब सुखवीर सिंह संघ ये जो है 1988 बैच के IAS थे, 1988 बैच के ये IAS थे, IAS अधिकारी थे और अब ये उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये थे आज के 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के और ये जो है आपको UP SSSC पेट हो या फिर UP TET हो या फिर UP पुलिस हो, इनमें काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और बस यही एक छोटी सी आपको करंट अफेयर की वीडियो देनी थी। आप हर दिन देखा करिए करंट अफेयर की वीडियो, आपको 10 नंबर तो पक्का आपके जो है UP SSSC पेट में आपका कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो बस ये छोटी जानकारी देनी थी। जय दोस्तों, वंदे मातरम।